आज हम लोग तीन अमेजिंग वेबसाइट्स के बारे में जानेंगे। पहले पे हम लोग जाएंगे गूगल पे और पहली जो वेबसाइट है उसका नाम लिखेंगे, जिसका नाम है My19TV। अब My19TV सर्च किया, फर्स्ट लिंक को क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया, ये लोडिंग और ये कंप्लीट। अब ये वेबसाइट आप लोगों को आपकी मतलब आप अगर अपना पुराना टेलीविज़न अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये विजन कर सकते हैं। ये साथ में आप लोग देख सकते हैं, ये इसके नीचे बटन पावर ऑन ऑफ, ये इसका चैनल अप एंड डाउन बटन, साथ में वॉल्यूम वाला बटन, और ये साथ में ईयर्स भी लिखे हैं कि आप जिस भी ईयर्स का टीवी लगाना चाहते हैं तो आप वहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपको यहाँ पर इसका ये आप लोग देख सकते हैं प्रोग्राम चल पड़ा। ये मैं टीवी को बंद कर देता हूँ, बंद। और अब हम लोग अपनी दूसरी वेबसाइट की तरफ जाते हैं जिसका नाम है pointer.com। मैं गूगल पे गूगल ओपन किया, गूगल पे लिखा pointer स्पेलिंग की मिस्टेक है, pointer.com। ये क्या हो गया pointer.com। फर्स्ट वेबसाइट ये मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, फर्स्ट वेबसाइट इस पर क्लिक किया। अब इस वेबसाइट का क्या मकसद है, अब जहाँ पर आपका एरो होगा ठीक उसी तरफ कोई ऐसी पिक्चर शो की जाएगी जिसमें वो जो एरो है। अब इस वेबसाइट का मकसद पता क्या, अब जहाँ पर आपका एरो होगा ठीक कोई ऐसी पिक्चर शो की जाएगी जिसमें जो फिंगर होगी वो आपके एरो की तरफ होगी, जैसे कि ये। अब अगली आप लोगों को मैं शो करता हूँ, अब मैं अपने पॉइंटर को रखता हूँ यहाँ पर, अब फिंगर एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में जहाँ पर मेरी एरो होगा। अब मैं एक बार और ट्राई करता हूँ यहाँ पर। अब नंबर 3 पे आ गई, नंबर 3 पे हम लोग सर्च करेंगे zoomquilt.org। फर्स्ट वेबसाइट इसको ओपन किया। अब इस वेबसाइट का मकसद पता क्या, बेसिकली जो इस वेबसाइट को बनाने का जो मकसद था वो ये था कि इंसान का जो फोकस है ना उसको इंक्रीज किया जाए। अब ये जो थोड़ा इसमें रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम है इस वजह से ये थोड़ा मतलब रुक रुक के चल रहा है, लेकिन अगर आप लोग जब इसको एग्जैक्ट देखेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा। यहाँ पर आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, फर्ज करें। अब मैं ये दूसरे वाला सेलेक्ट करता हूँ, अब ये दूसरे वाला ओपन होगा।